हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और लास्ट लेक्चर में हमने किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मींस अगर कोई चार्ज मूव करता है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म इज देयर। लेकिन अब मैंने इसी मैग्नेटिज्म को कौन कौन से ऐसे मटेरियल भी हैं जो मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर एक्सटेंड करना है अपने लास्ट वाले चैप्टर को। मींस कुछ चीजें मेरी लास्ट लेक्चर की लास्ट चैप्टर की चलेंगी और मैं कुछ नई बनाता चला जाऊंगा यहां पर। नाउ व्हाट हैपेंड कि एक साइंटिस्ट थे थेल्स, ग्रीक के साइंटिस्ट थे। अ ग्रीक साइंटिस्ट या और यू कैन यूज द वर्ड फिलोसफर, एक ही बात है। व्हाट ही फाउंड कि जो नेचुरल अकरिंग ओर ऑफ आयरन दिस इज योर नेचुरल अकरिंग। मैं ये नहीं कि उसने स्पेशली डिजाइन किया, जो उसको अर्थ में से मिला। और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन क्या थी? Fe3O4। ये जो है चीजों को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये फाउंड किया थेल्स ने मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से थे? लाइक कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, आयरन एटसेट्रा, इनको वो अट्रैक्ट करता है। मैंने क्या कहा, मुझे अब मटेरियल्स के ऊपर आना है। तो थेल्स ने ये फाइंड आउट किया कि जो नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन है, ये नेचर में मिलता है आपको डायरेक्टली। ये कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। मींस इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है भाई इसकी। ये तो मुझे क्लियर हो गया यहां से कि ये अट्रैक्ट करता है, मैंने कहा राइट। अब ये कहां मिला उसको? एक था डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन माइनर एशिया, सॉरी इन एशिया माइनर इन ग्रीस। अब ये जो मटेरियल उसको कहां मिला था बच्चों जी? ये एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मिला था। इस वर्ड की वजह से इसका नाम रख दिया मैग्नेटिज्म, मैग्नीशिया मैग्नेटिज्म, सो नेम्ड एज मैग्नेटिज्म। कि वो जो आपकी, मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक फिलोसफर थे थेल्स, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो नेचुरल अकरिंग ओर ऑफ आयरन है इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। उनको ये मटेरियल कहां मिला था? मैग्नीशिया के अंदर मिला था। ये मैग्नीशिया कहां है? इन एशिया माइनर इन ग्रीस। तो इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इस मटेरियल को मैग्नेटाइट बोल दिया हमने। और बाद में धीरे धीरे रिफाइन करते करते इसका नाम मैग्नेटिज्म हो गया। अब वो कहता है एक चीज और फाइंड आउट कि अगर मैं इस मटेरियल को सस्पेंड करता हूं, अगर इफ दिस मटेरियल इज सस्पेंडेड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। हां जी, उस समय क्या हुआ? व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलाइन इट्स अलॉय कैसे अलाइन रफली अलोंग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसमें ये अपने आप को अलाइन करता है। इसका मतलब यहां से पता लगा इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और यहां से पता लगा इसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। मीन्स डायरेक्शन वाइज एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है इसके पास, कोई डाउट हो बच्चे? मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई ये तो मैग्नेटिज्म है, किसका? मैग्नेटिक जो मैटर्स है उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैंने क्या कहा था कि अगर आप वायर में से करंट पास करोगे तो वायर गेट मैग्नेटाइज्ड। आज मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे पास कुछ मटेरियल भी हैं जो वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो मैंने वायर में से करंट बनाकर करंट पास करके बनाई थी, वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। कुछ ऐसे मेरे पास मटेरियल भी हैं।
अब वो क्या कहते हैं कि जो अर्थ है दैट इज ए कंप्लीट मैग्नेट, और ऐसे लगता है भाई जैसे मैंने इनसाइड द कोर ऑफ अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का टुवर्ड द ज्योग्राफिक साउथ है, तभी तो मैंने इसको बोलता हूं, और जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ है, ऐसे रखा वैसे लगता मुझे। लेकिन ये सारे आपके जो आप मिल रहे थे आपको ये कौन से थे, इररेगुलर शेप के, दीज ऑल आर ऑफ इररेगुलर शेप, ये सारे इररेगुलर शेप के मटेरियल हैं, ये सारे मटेरियल इररेगुलर शेप के हैं, ठीक है बच्चा जी, इररेगुलर शेप के मटेरियल है। फिर क्या किया हमने, एक यूनिफॉर्म शेप का मटेरियल बनाया जिसको नाम दिया बार मैग्नेट, जिसकी प्रॉपर एक शेप है, लेंथ है, साइज है, एक मटेरियल में जिसको नाम दिया मैंने बार मैग्नेट। मुझे इस पूरे चैप्टर को बार मैग्नेट से डिस्कस करना है, और फिर वही ये भी कहेंगे कि इसके जो पोल है स्लाइटली इनसाइड लाई करते हैं, सारी बातें करेंगे अभी बार मैग्नेट के बारे में। तो जो वो थोड़े से पोल अंदर होते हैं उन दो पोल्स के बीच के गैप को लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं या लेंथ ऑफ बार मैग्नेट बोलते हैं, जिसको 2L से डिनोट करेंगे, एक पोल को साउथ पोल बोल देंगे और एक को नॉर्थ पोल बोल देंगे, किसी को भी नॉर्थ बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेंथ की डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी धीरे धीरे आगे चल के एक मेरे पास वो आ जाएगी आपकी डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, तो मैंने इसलिए फिर वो साउथ टू नॉर्थ ही उसकी लेंथ बना दी। इसको मुझे क्या नाम देना है, बार मैग्नेट नाम देना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा जो लास्ट चैप्टर था दैट वाज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहां मैंने करंट या मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म की बात की थी, और यहां मैंने नेचुरली अकरिंग जो मटेरियल है उनके मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। तो मैग्नेटिज्म वर्ड दोनों चैप्टर में आ रहा है, पहले था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अब वर्ड आ रहा है उसी को आगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और यू कैन से मैग्नेटिक मटीरियल वर्ड लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटीरियल्स एक ही बात है, ऐसे कर दो मैग्नेटिक मटीरियल्स ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है, एक ही बात है, मटेरियल मीन्स मैटर। तो अब मैंने उसी मैग्नेटिज्म जो मैंने पीछे पढ़ा है मूविंग चार्जेस वाला उसको आगे एक्सटेंड करना है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक्सटेंड करना है मुझे, तो कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, तो मुझे पढ़ना क्या है पहले उसकी बात की मैंने, मुझे सारा ये बात मैं चाहता तो स्टार्टिंग यहां से कर सकता था कि क्योंकि सबको पता बार मैग्नेट बाजार में मिलता है, सबने देखा हुआ है, लेकिन मैंने पहले एक से हिस्ट्री बनाई है कि यहां से मैंने आगे लेके चलना है। अब ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, आपने कहा कि जो बार मैग्नेट है उसके अंदर दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल नाम दिया मैंने, एक को साउथ पोल नाम दिया, और वो जो पोल है एग्जैक्टली एट द एंड्स पे लाई नहीं करेंगे, थोड़े से अंदर लाई करेंगे, और जो वो थोड़े से अंदर लाई करेंगे तो मैंने ये शेप दे दी थी भाई। अब मैं बात कर रहा हूं बार मैग्नेट की, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चा जी, अब मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, ये मेरा एक बार मैग्नेट है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि क्लैरिटी रहे मुझे चीजों के अंदर, ठीक है, ये इस तरह से होता है भाई। ये अगर आपने कहा कि ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ है, दिस इज कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो ये जो लेंथ आएगी जो 2L है वो रफली 7/8 ऑफ कैपिटल एल होती है बच्चा जी, रफली 7/8 ऑफ कैपिटल एल। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, साउथ पोल, दिस इज योर नॉर्थ पोल। तो आपको न्यूमेरिकल्स में उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं एक्चुअल लेंथ दी होगी, लेंथ जब वो कहता है कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ दिस मच, तो उसने वो आपको उसकी एक्चुअल लेंथ की बात कर रहा है, ज्योमेट्रिक लेंथ की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, जब तक वो ज्योमेट्रिक लेंथ की बात ना करे तब तक आपने इस सिचुएशन को यूज नहीं करना। तो वो आपको डायरेक्ट लिखेगा बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, सपोज इफ ही सेज ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर या 7, जो भी कहता है वो, तो वो इस लेंथ की बात कर रहा है आपके साथ, वो इस लेंथ की बात करता है हमेशा, सो नीड नॉट टू वरी। जब तक वो उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ के बारे में आपसे नहीं कहता तो वो आपको एक्स की जो एक्चुअल लेंथ है जो बनेगी बार मैग्नेट की उसकी बात करेगा, ठीक है। तो चलो अब मुझे बार मैग्नेट को डिस्कस करना है, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है भाई,
दिस इज योर बार मैग्नेट, दिस इज योर 2L. अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. मैंने क्यों ऐसे लिखा बच्चा, मैं इधर चाहूं तो नॉर्थ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी कोई डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा अभी डायरेक्शन देने की बात आ जाएगी, तो डायरेक्शन जो है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. जो इसकी अभी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे, क्योंकि बार मैग्नेट है, दो पोल है, डाइपोल है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे तो दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. तो जब मैंने लेंथ की जिक्र किया तो मैंने पोल जैसे नाम दे दिया. मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं हूं अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं. Nobody can say that you are not correct. मैं बिल्कुल ठीक हूं अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये नॉर्थ पोल. कोई गलत नहीं कह सकता मुझे, मैं गलत नहीं हूं. लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे मैं डायरेक्शन की आदत डालना चाहता हूं. ठीक है बच्चा जी, चलो जी. अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, ये एक बार मैग्नेट है, आपने फ्रीली सस्पेंड किया, तो इसका जो नॉर्थ पोल है That points toward geographic north, और जो south pole है that points toward geographic south. This is GS कर देता हूँ, geographic south, this is geographic north. क्योंकि अभी मैं पढ़कर आया हूं कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, बेसिकली उसके अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल कहाँ है, geographic south पे है. इसका मतलब यहां पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए अलाइन करता है. अगर आप डिस्टर्ब करोगे वापस वहीं पहुंच जाएगा. नंबर टू, कहते हैं ये एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसकी एक्सिस में जो एक्सिस पास कर रही है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन. उसको क्या बोलते हैं बच्चा जी, अभी काम आएगी आगे जाके, ये एक्सियल लाइन. और जो इसके नॉर्मल लाइन होगी एक्सियल लाइन के, उसको क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल लाइन. दिस इज योर इक्विटोरियल लाइन. अब जो ये मैग्नेट सस्पेंड किया हुआ है, ये एक्सियल लाइन थी, यहां से जो वर्टिकल प्लेन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन. ये जो पी क्यू है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. प्लेन पी क्यू इज मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन, एम ई आर आई डी आई ए. ये मैग्नेट था, ये लाइन एक्सियल लाइन है, ये लाइन इक्विटोरियल लाइन है, और ये जो वर्टिकल प्लेन है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन. कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर. थर्ड थिंग, कहता है अगर आप कोई एक ग्लास है, ये ग्लास है, आपने उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स रखे हुए हैं, ये आयरन फिलिंग्स है भैया. अब आपने इस ग्लास के नीचे लगा दिया एक मैग्नेट, तो ये 2D फिगर है, 3D फिगर, लेकिन 2D में बना रहा हूं, फिगर 3D है. तो वो जो आपके आयरन फिलिंग्स है वो सारे यहां पर आके अरेंज हो जाएंगे एट द एंड्स के ऊपर, सारे रीअरेंज कर लेंगे, सारे एंड्स के ऊपर आ जाएंगे भैया, लाइक दिस. मीन्स जो अट्रैक्शन है दैट इज नियर द एंड्स, उनको क्या बोलते हैं, इनको फिर पोल्स बोलते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं. एंड्स को क्या बोलते हैं बच्चा जी, पोल्स बोल देते हैं एंड्स को. ये एक द्वारा लिखता हूं, ये मैग्नेट रखा आपने, ये इसके पोल्स थे, तो अट्रैक्शन यहां है, इनको क्या बोलना है मुझे, पोल्स बोलना. भी पोल, एक पोल ये है और एक पोल ये है. ठीक है बच्चा जी, दिस इज थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. कि अगर आपने एक कांच की ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया यूनिफॉर्मली, जब उसके नीचे मैग्नेट रखा तो उस आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को रीअरेंज किया और सारे कहां पहुंच गए, एंड्स, जो मैग्नेट के एंड्स हैं वहां पहुंच गए हैं. तो मींस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स, और उनको मुझे क्या बोलना है, सॉरी अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स, मुझे एंड्स को क्या बोलना है, पोल बोलना. हालांकि मैं पहले बोल चुका हूं लेकिन उसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं मैं किस लिए उनको पोल बोलते हैं. ठीक है बच्चा जी, नंबर चार, लाइक पोल, पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगी. अगर अनलाइक पोल्स हैं तो क्या होगी बच्चा जी, अट्रैक्शन होगी.
मीन्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मीन्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अब ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे इसके ऊपर भी पूरा डिटेल डिस्कशन करना है। मैंने क्या, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसमें सारा काम कैसे करेंगे, मुझे इसके ऊपर भी कंप्लीट डिस्कशन करना है। लो जी, वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम वन पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल इनटू पोल स्ट्रेंथ ऑफ अदर पोल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। जैसे पढ़ते रहे हैं अभी तक, पढ़ते यही सी पढ़ते रहे हैं। ये जो के है इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई जो है इन एस आई सिस्टम है, और के इज इक्वल टू वन इन सी जे सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मोस्टली जो है 90% या मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे वोल्ट वगैरह वो सारे एसआई सिस्टम के हैं, तो हम एसआई सिस्टम में बात करेंगे भाई। तो व्हाट इज इन एसआई सिस्टम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10^-7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। अब मैं ये कहां से निकाल लाया, कहां से निकाल लाया? तो चलो पहले लॉ की बात करते हैं, तो पहले लॉ की बात करते हैं, इस यूनिवर्स की बात बाद में करेंगे, पहले लॉ की बात करते हैं, पहले लॉ की बात करते हैं। तो इन एसआई सिस्टम मेरा लॉ ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ये लॉ बन गया। अब मुझे ना तो यूनिट इसके पता है और ना ही यूनिट इस पोल स्ट्रेंथ के पता है, दोनों के यूनिट नहीं पता, दोनों के यूनिट निकालने हैं मुझे, फिर आगे चलना है। अब यहां से अगर मैं इसके, जैसे मैंने पहले कहा था, पहली बात तो यह कि दिस इज योर, दिस इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, ये मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर कूलम्स लॉ है, पहली बात। तो जैसे मैंने वहां कहा था इसके मुझे यूनिट्स पता थे न्यूटन होते हैं, इनके मुझे पता थे कूलम होते हैं, मैंने इसके निकाल दिए थे, लेकिन आज तो मुझे इनके पता ही नहीं है, तो क्या करूं? कहीं ऐसी जगह में जाऊं जहां पर इसको यूज किया हो और बाकी सब क्वांटिटी के मुझे यूनिट्स पता हो। चलते हैं, व्हाट इज बायर सेवरेट लॉ, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मालूम है, टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई करंट एम्पियर, ये मीटर बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, भी देखो व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू वेबर एम्पियर इनवर्स माइनस। चेक कर लो भाई, ये यूनिट्स हैं इसके, यूनिट्स इसके यूनिट्स हैं। अब वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू म्यूनिट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10^-7 वेबर एम्पियर मीटर। लो जी, पता लगी मेरे को सारा। तो पहली बात तो मैंने कहा, देखो जब मैंने इसको कहा दिस इज योर कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, वहां मुझे इसके यूनिट्स न्यूटन पता थे, इन दोनों के कूलम पता थे, ये मीटर होता है, मैंने के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स निकाल दिए थे, लेकिन ना तो अभी मुझे इन दोनों के यूनिट पता है, पता नहीं है, तो इसके नहीं निकाल सकता। तो मुझे वहां जाना पड़ेगा जहां पर ये क्वांटिटी हो और बाकी सबके यूनिट्स मुझे मालूम है, तो मैं बाइट सेपरेट लॉ के ऊपर आ गया। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो चलें आगे। अब मुझे पोल स्ट्रेंथ के यूनिट निकालने हैं भाई, पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स निकालने हैं। तो एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वन एम टू बाय, मान लो पोल स्ट्रेंथ दोनों की बराबर है भाई, और आर इज इक्वल टू 1 मीटर है, तब क्या करेंगे? तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 4 पाई एम स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मीटर है ध्यान रखना, 1 मीटर का है मैंने, तो चलो इसको पूरा, क्योंकि अब यहां पर कंफ्यूजन रहेगा एम से और डिस्टेंस के यूनिट से, तो मैं इसको पूरा वर्ड लिखूंगा मीटर, मीटर स्क्वायर। ये मुझे पता है, इसके यूनिट्स निकालने हैं, अब आराम से फिर काम करना पड़ेगा।
तो चलो जी पहले मीटर स्क्वेयर की बात कर देते हैं, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ इन टू मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब फिर मेरे एफ के यूनिट्स न्यूटन नहीं चलेंगे, क्यों? न्यूटन तो कहीं आ ही नहीं रहा मेरे पास, ना ही कहीं कटेगा, तो मुझे आज जो अपनी फोर्स के यूनिट्स हैं वो फिर एक ऐसी फॉर्म में लिखने हैं जिसके अंदर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब आ जाए। लो फिर थोड़ा चेंज करता हूं मैं इसको, क्या मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ फोर्स इज इक्वल, तभी तो मैंने कहा था कि मेरे चैप्टर का इसका लिंक है पिछले चैप्टर से, एल आई वी करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स लगती है अगर फील्ड में रखते हो, एफ इज इक्वल टू एल आई वी लेंथ मीटर, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो पुट कर दो तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एल आई वी अपॉन सॉरी इन टू मीटर स्क्वायर। अब मैं सिर्फ जो डिस्टेंस के यूनिट वो पूरे मीटर में लिखूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मुझे, अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो क्या था भाई, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, यही थे बच्चा जी, चेक कर लो। लो जी, तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल करंट लेंथ सॉरी मीटर एम्पियर वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एम स्क्वायर से, इन टू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए भाई, ठीक है जी, ये वेबर से वेबर कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर मीटर ऊपर पहुंच जाएगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, चेक कर लो बच्चा, थोड़ा यहां पे हौच-पौच लग रही है आपको देखने में, लो जी ये वेबर से वेबर कैंसिल हो गया, तो यहां से एम स्क्वायर आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, और एम आ गया एम्पियर मीटर, कोई डाउट हो बच्चा, मींस पोल स्ट्रेंथ के यूनिट कौन से आ गए, एम्पियर मीटर वाले आ गए, तो यहां मुझे थोड़ा सा इनडायरेक्ट काम करना, मैंने पीछे ये कहा था कि आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, तो ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है इट इज बीइंग यूज्ड बाय नेविगेटर्स, कंपास नीडल से बात करते हैं, कंपास नीडल से बात करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं भाई मैं आपकी, यूज्ड बाय नेविगेटर्स फॉर स्टीयरिंग ships, अगर मुझे ship वगैरह चलाना है तो मैं इसी की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यूज करके मटेरियल की काम करता हूं सारा अपना। आप मैं फिर कह रहा हूं मेरे चैप्टर का आज नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैटर, एक ही बात है, पिछले चैप्टर का नाम था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो वहां मैंने मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म बनाया था, अब उस मैग्नेटिज्म को मैटर के ऊपर मैं लेकर जा रहा हूं, तो मुझे पिछले रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे, वही रिजल्ट यूज किए मैंने सारे, देखो चाहे वो मैंने आपका फील्ड के पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स निकालने की बात करनी थी और चाहे मैंने आपके म्यूनिट अपॉन 4 पाई के यूनिट्स की बात करनी थी, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, तो ये मैंने सारे आपकी इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक मटेरियल्स की है और वहां से मैंने एक अपना बार मैग्नेट निकाल लिया है आज, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और लिखी हुई आपकी बुक्स के अंदर, दैट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, कि आपने ये अगर कोई ये बताना है कि ये मटेरियल मैग्नेटिक है या नहीं है तो उसके लिए रिपल्शन टेस्ट बेस्ट है। वो कहता है मान लो आपके पास, यही कर देता हूं मैं, वो कहता है सपोज, लो जी नेक्स्ट क्या कहता है वो, एक प्रॉपर्टी और है इसकी नेक्स्ट बार मैग्नेट की ही, दैट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट ये 4 नंबर है शायद वो, चलो जो भी है, रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कि अगर आपने ये बताना है कि इस मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिज्म है या नहीं है तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। आपके पास 2 बार मैग्नेट है, 2 स्पेसिमन है, अब इसमें से एक तो प्योर रॉड है मटेरियल की, एक तो आयरन रॉड है,
और दूसरा है मैग्नेट या बार मैग्नेट, एक ही बात है, दोनों देखने में बिल्कुल सेम है। आप कैसे बताओगे कौन सी बार मैग्नेट है? क्यों? दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। यू कैन नॉट से कि ये मैग्नेट है या ये मैग्नेट है। आप एक थर्ड लाओ, थर्ड स्पेसिमन जो बार मैग्नेट होगा। सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस नॉर्थ को यहां लाओ तो ये अट्रैक्ट होगा, इसी नॉर्थ को यहां लाओ तब भी अट्रैक्ट होगा, इस साउथ को यहां लाओ अट्रैक्ट होगा, इस साउथ को यहां लाओ अट्रैक्ट होगा। तो यहां तो अट्रैक्शन ही हो रही है, फिर भी पता लग रहा। लेकिन अगर यहां ला रहे हो, मान लो यहां पर इस पोल के ऊपर अट्रैक्शन हुई मान लेते हैं, तो दूसरे पे क्या होगी? रिपल्शन होगी। अगर ये मान लो साउथ पोल है चलो, और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो अगर यहां इस नॉर्थ पोल पे अट्रैक्शन, तो साउथ पे क्या होगी? रिपल्शन होगी। ऐसे उधर भी, तो अगर यहां पर इस पे अट्रैक्शन थी तो वहां रिपल्शन होनी चाहिए। सेकेंड पोल पे अगर यहां रिपल्शन थी तो वहां अट्रैक्शन। तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। जब तक रिपल्शन नहीं आई थी आप ये नहीं बता सकते थे कि भी इनमें से एक किस मैग्नेट है। अगर ये दोनों की बात कर रहे हो आप, सारे केस में अट्रैक्शन है, सारे केस में अट्रैक्शन है, यहां पर आए, अगर जब तक रिपल्शन नहीं आई तब तक मैंने ये नहीं कहा ये मैग्नेट है, तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये छोटा सा जो मैंने डिस्कस किया, ये सारा इंट्रोडक्शन था आपके मैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए। इंट्रोडक्शन है ये, कोई डाउट उसके अंदर आपको? चलें आगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों आपने कहा कि बार मैग्नेट है, मैग्नेट है तो फील्ड भी होगा, फील्ड होगा तो लाइन ऑफ फोर्स भी होगी। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बोलते थे स्पेस सराउंडिंग ए गिवन चार्ज, और यहां पर स्पेस सराउंडिंग ए गिवन मैग्नेट इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका मुझे यू कैन से विजुअल बनाना है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे। विजुअल कैसे बनेगा? कहते तो कोई बात नहीं, आप क्या करो एक बार मैग्नेट ले लो, कहते हैं मैंने ये मार्क कर दिया, ये नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है, तो चलो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कहते है इसके सराउंडिंग वो रख दो अपनी कंपास नीडल्स। कहता आप चेक करोगे अगर मैं उनको ऐसे रख रहा हूं, मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूं, एक मैंने क्या कहा ये विजुअल डिस्प्ले है, थोड़ा सा वैसे टेढ़ा बना है लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा बना, उसको भी सीधा कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। कहता आप चेक कर लेना, कहता वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे आपकी जो मैग्नेटिक कंपास नीडल्स हैं। दिस इज इंट्यूटिव विजुअल डिस्प्ले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कहता है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात कहता है ये आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ चलेंगी, आउटसाइड द मैग्नेट कहां चलेंगी? नॉर्थ टू साउथ चलेंगी, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, मींस कॉन्टिन्यूस कर्व्स है ये, कॉन्टिन्यूस कर्व्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले थे वो आपके डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स थे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहे थे और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो रहे थे, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स है, पहली बात। नंबर टू, दीज आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मटेरियल। तो जो मटेरियल से बाहर है वो आपके नॉर्थ टू साउथ है, और जो इनसाइड है वो साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है बच्चा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नंबर थ्री, क्राउडिंग ऑफ लाइन्स मीन्स फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अगर लाइन की क्राउडिंग है, अगर सेपरेटेड है मीन्स लेस क्राउडिंग है तो फील्ड वीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि ये सारे लाइन ऑफ फोर्स से बताई जाएंगे, दिस इज वीक फील्ड,
वीक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक फील्ड. नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर दो लाइनें क्रॉस कर जाएंगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ जाएंगी विच इज नॉट पॉसिबल. दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएंगी विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड मीन्स टू वैल्यूज ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर जो अगर वेक्टर चेंज हो जाता है आइदर इट्स डायरेक्शन चेंजेस और इट्स मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स एंड डायलेट लेटरली ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर और यू कैन से लाइक चार्जेस. कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है जी. डायलेट लेटरली वो होगी अनलाइक पोल्स के लिए और ये होगी लाइक पोल्स के लिए. ये इनकी प्रॉपर्टीज है भाई, कोई डाउट हो. क्योंकि मैंने कहा अगर मैग्नेटिज्म है तो उसको रिप्रेजेंट दैट इज विजुअल डिस्प्ले बेसिकली, और यू कैन से इंट्यूटिव के ऐसा ऐसा होगा, इंट्यूटिव डिस्प्ले और विजुअल डिस्प्ले, कोई डाउट हो. ये भी उसी पहले वाले डिस्कशन का पार्ट है, क्योंकि देखो उनको मैं सेगमेंट में ही करूंगा. पहले मैंने सारा उसका मैथमेटिक्स किया, अब मैंने उसका विजुअल डिस्प्ले की बात की कि अगर एक बार मैग्नेट है उसका फील्ड कैसा होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो बातें सारी मैंने आपके साथ की हैं. आगे चले बेटा. नेक्स्ट इज बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल. क्योंकि आपके बार मैग्नेट के दो पोल हैं, तो जब दो पोल हैं तो फिर वो डाइपोल बन गया बच्चा जी, डाइपोल बन गया. लो जी, अब ये एक डाइपोल है, ये मैं बता चुका हूं कि पोल थोड़े से अंदर लाई करते हैं, इतनी बातें सारी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं. आपकी मर्जी है कुछ, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्थ लिखो साउथ लिखो, जब तक मैंने इसकी डायरेक्शन की बात नहीं की. अब जैसे वहां करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर चार्ज इनटू गैप बिटवीन चार्जेस, ऐसे यहां पर पोल स्ट्रेंथ इनटू गैप बिटवीन पोल्स. तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से. वो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल. ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो ये मैग्नीट्यूड आया, मैंने अभी डायरेक्शन की बात नहीं की. वेरी नेक्स्ट मोमेंट में डायरेक्शन की बात कर देता हूं, एम वेक्टर इज इक्वल टू एम इनटू 2L ब्रैकेट में डायरेक्टेड फ्रॉम, हां जी बच्चा जी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ये इसकी डायरेक्शन है भाई, ध्यान रखना. अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल m इंटू 2L है बच्चा जी. अभी आपने, अब ये यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, इसके तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ के क्या थे, एम्पियर मीटर थे, इंटू क्या हो जाएंगे, मीटर एक और आ जाएंगे लेंथ वाले, तो ये बन जाएंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, बन जाएंगे डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स. कोई डाउट हो बच्चा ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि चांस की बात है यहां पर मीटर के लिए नोटेशन भी एम है और पोल स्ट्रेंथ की नोटेशन भी एम है. इट इज ओनली चांस, तो मुझे अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है तो मैंने मीटर और लगा दिया. कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो. बार मैग्नेट एज इज, तो हम कहां से चले थे और कहां लाके मैंने उस मटेरियल को छोड़ा है. तो अभी तक हमने क्या किया, पहले तो इंट्रोडक्शन की और फिर उस वहां से अपना एक बार मैग्नेट बना लिया, इससे अब हम आगे सारा लेकर चलेंगे. कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे. एक प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है एल, मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर है जिसकी लेंथ है एल,
और इसकी डाइपोल मोमेंट है, अब यहां नोटेशन चलेंगे, ध्यान रखना, स्मॉल एम होता है पोल स्ट्रेंथ के लिए और कैपिटल एम होता है किसके लिए बच्चा जी, डाइपोल मोमेंट के लिए। कहते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ बताओ मुझे कितनी है, पोल स्ट्रेंथ मींस स्मॉल एम बताओ कितना है इसका। कहता है मैंने क्या किया, इसी वायर को एक सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया और फिर न्यू पोल स्ट्रेंथ भी बताओ क्या होगी, न्यू पोल स्ट्रेंथ बताओ कितनी होगी, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, क्या होता है स्मॉल इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल होता है बच्चा जी, लेंथ ऑफ डाइपोल, कोई डाउट हो आपको, तो व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, डाउट हो देख लो, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज डाइपोल, अभी तो जस्ट किया मैंने, अब मैंने ये कर दिया भाई, ये कर दिया भाई, यहां से व्हाट इज पाई आर इज इक्वल टू एल आ जाएगा, तो व्हाट इज आर, एल अपॉन पाई आ जाएगा, चेक कर लो जरा, सेमी सर्कल बनाया जिसकी कुछ रेडियस होगी भाई, सेमी सर्कल बनाया जिसकी कुछ रेडियस होगी भाई, ठीक है, वर्ड लगा दिया गलत, न्यू डाइपोल मोमेंट बतानी है, न्यू डाइपोल मोमेंट, मैंने ऊपर बैठा वर्ड गलत लिख दिया, न्यू डाइपोल मोमेंट बतानी है मुझे। यहां से मैंने देखा ये जो दो पोल थे इनकी स्ट्रेंथ आ गई है कितनी, ये आ गई है, अब ये पोल यहां आ गए हैं, जब मैंने बेंड कर दिया तो पोल यहां पहुंच गए, नाउ व्हाट इज न्यू डाइपोल मोमेंट, एम न्यू क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, अब मैंने कहा कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मींस वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर डिस्टेंस चाहिए कितना है, वो 2r के बराबर है, तो m इन टू 2r, m कितना है ये रहा, कैपिटल m बाय l इन टू 2r, टू व्हाट इज r, l अपॉन पाई, l से l कैंसिल हो गया, 2m अपॉन पाई इज न्यू पोल स्ट्रेंथ, चेक कर लो बच्चा जी क्या किया मैंने, मैंने कहा आपके पास एक मैग्नेटाइज्ड स्टील रॉड थी जिसकी लेंथ l थी, उसकी डाइपोल मोमेंट कैपिटल m थी, पहले पोल स्ट्रेंथ बताओ, मैंने कहा पोल स्ट्रेंथ m बाई l आएगी, मींस जो ये पोल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने क्या कहा था डाइपोल के अंदर जो आपका डाइपोल है वो उसके एंड्स पे होता है सारा, जो यू कैन से अट्रैक्टिंग पावर होती है, मैंने इसको बेंड कर दिया इन फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, ऐसे बेंड कर दिया सेमी सर्कल में, अब जब रेडियस r बन गई तो बीच का गैप कितना आ गया 2r के बराबर आ गया, तो मैंने क्या कहा ये पाई r बराबर लेंथ l के था, तो r l अपॉन पाई आ गई थी, तो मैंने कहा व्हाट इज न्यू डाइपोल मोमेंट m इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, अब लेंथ ऑफ डाइपोल यहां से 2r आ रही है, तो m बाय l इनटू 2 इनटू l बाय पाई, l से l कैंसिल हो गया बच्चा, 2m अपॉन पाई आ गया, कोई डाउट हो चलें आगे देख लो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट हो, मैंने यहां ये बताया आपको मुझे पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो गैप है वो वेक्टर क्वांटिटी वाइज चाहिए, अब ये नहीं कह सकता मैं कि भी ये गैप था उनके बीच का, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वेक्टर क्वांटिटी है लेंथ आपकी, वेक्टर लेंथ आपको पोल्स के बीच की चाहिए, चले आगे बेटा, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं, अब वो क्या किया मैंने उनको, एक बार मैग्नेट ये है भाई और एक बार मैग्नेट ये है, अब ये नीचे गिर सकते थे तो मैंने इनको एक वर्टिकल ट्यूब में प्लेस कर दिया ताकि गिरे ना भाई, ये तो गिर सकते हैं ना बेटा, ऐसे नीचे गिर सकते हैं, तो बिल्कुल साथ साथ जोड़ के बताइए, इसको बिल्कुल साथ साथ एक ट्यूब लगा दी ताकि नीचे ना गिरे बस, ये ठीक है बच्चा जी, एक ट्यूब में एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब में डाल दिया मैंने इनको ताकि नीचे ना गिर जाएं बस, ये लाइक दिस। कहते हैं इनके बीच जो पोल्स के बीच का गैप है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, और कैसे रखा, नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ पोल ऐसे रखा भाई, तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन हो।
कहता है कितनी पोल स्ट्रेंथ रखूं, कितनी पोल स्ट्रेंथ रखूं, ये पोल स्ट्रेंथ कितनी हो, इनका आइडेंटिकल वेट भी अभी सब कुछ बताऊंगा मैं, कितनी पोल स्ट्रेंथ रखूं कि बीच में ये ऐसे बैलेंस रहे नीचे ना, मतलब इन द सेंस ये जो रिपल्शन है इस वेट को बैलेंस कर पाए, कितनी पोल स्ट्रेंथ रखूं यहां पर, इसको बैलेंस कर पाए, दोनों का जो मास है वो वेट, अब यहां पर कंफ्यूजन है तो वेट को डब्ल्यू कर देता हूं मैं, चलो वेट डब्ल्यू है दोनों का। नौ, अब ये कब बैलेंस होगा भाई, अगर जो ऊपर वाला है उसने तो नीचे आना है, ऊपर वाले का वेट कहां काम करेगा, नीचे काम करेगा डब्ल्यू, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां काम करेगी, ऊपर का, दोनों बराबर हो जाए तो यही पड़ा रहेगा, ये ऊपर वाला नीचे लगा वैसे ही रखा हुआ मैंने, ऊपर वाला यही पड़ा रहेगा अगर ये रिपल्सिव फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाए। तो व्हाट इज रिपल्सिव फोर्स, एफ इज इक्वल टू, अभी मैंने किया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, मैंने कहा पोल स्ट्रेंथ दोनों की आइडेंटिकल है ये मैं कह चुका हूं, तो एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पोल स्ट्रेंथ ही मुझे निकालनी है, किसको बैलेंस कर सके ये वेट को, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एम इज इक्वल टू 4 पाई डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय म्यू नॉट अंडर आर। ये पोल स्ट्रेंथ चाहिए भाई आपको, क्योंकि वेट आपको गिवन है, गैप आपने कहा आर गैप पे मेंटेन रहे ये आपका कांस्टेंट है, तो वेट भी गिवन है आपको, आर भी गिवन है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 भाई आपका कांस्टेंट है, तो पोल स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो, देख लो बच्चों कोई डाउट हो उसके अंदर। चलें आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दो बार मैग्नेट है, एक ऐसे रखा हुआ है और एक इधर को ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है बच्चा जी, ऐसे मतलब चल ऐसे रखे हुए हैं दोनों बार मैग्नेट, ठीक है, साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है पहले वाले का, तो व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट कहां आ जाएगी भाई, इधर को आ जाएगी M1, इसकी पोल स्ट्रेंथ तो है 25 एम्पियर मीटर और लेंथ है 20 सेंटीमीटर पहले वाले की भाई, दूसरे वाले का साउथ पोल यहां रखा हुआ है नॉर्थ पोल यहां रखा हुआ है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट कहां होगी भाई, ऊपर को होगी, चेक कर लो भाई M2, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और पोल स्ट्रेंथ 48 एम्पियर मीटर है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम बताओ, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ये बताने है भाई आपको, पहली बात व्हाट विल बी एम वन, एम इंटू टू एल, एम कितनी है भाई 25 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 5, क्या आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर आप ध्यान रखना बेटा ये पोल स्ट्रेंथ वाला है और ये यूनिट वाला है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथ साथ, व्हाट विल बी एम टू स्मॉल एम इनटू 12, ठीक है जी, व्हाट इज एम इन दैट सेकंड केस 48 इनटू 0.25, तो ये 1/4 बन जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, क्या हो जाएगा चेक कर लो भाई, एम वन स्केयर प्लस एम टू स्केयर अंडर द रूट इज इक्वल टू 5 स्केयर जमा 12 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 25 जमा 144 अंडर द रूट इज इक्वल टू 169 अंडर द रूट, एम आ जाएगी 13 एम्पियर मीटर स्केयर, यही आ जाएगी, तो व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट, हां जी कितनी होगी, अब ये वाली आपकी 12 है और ये वाली आपकी 5 है, नेट कितनी हो जाएगी 13 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये नेट एम आ गई, एंगल निकालना है तो एंगल निकाल देना, बड़े वाले के साथ निकलता है विद एम टू,
अगर आपको नहीं पता तो विद चाहे एंगल ये निकाल दो, चाहे जो आपका दिल करता वो निकाल देना। वैसे एंगल पूछा नहीं है उसने, लेकिन अगर एंगल पूछता है तो वो भी निकाल सकते हो आप। मैंने क्या कहा, एंगल पूछा नहीं है, अगर चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो मैंने आज आपका जो डिस्कस किया है वो टोटल आपका मैंने ये डिस्कस किया है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, मैंने कहा मेरे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैंने जो अपना थोड़ा सा पिछला डिस्कशन था आपका, उनके यूनिट्स वगैरह सारे यूज किए, और मैं अपने ड्यू टू मूविंग चार्जेस की बात की थी, उसको उठा के मैं मैटर पे बार मैग्नेट के ऊपर ले आया हूं। अब मैंने बार मैग्नेट से सारा काम करना है, आगे बार मैग्नेट का एक्सेल लाइन पे भी फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे फील्ड निकालेंगे, उनका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी भी बात भी करेंगे। अगर मान लो एक करंट कैरिंग कॉइल है, मतलब सारे काम आगे हम करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो गया, जगह कम थी।